इस वर्ष के दूसरे नेशनल लोक अदालत में लगभग 3000 लंबित प्रकरणों को पक्षकारों द्वारा सुलझा लिया गया है। इसमें जल संपत्ति कर, बिजली बैंक ऋण प्रकरण जैसे मामले शामिल थे। लोक अदालत में अपने प्रकरण सुलझाने के मामले में पक्षकार लगातार जागरूक हो रहे हैं। पिछले साल प्रदेश में लोगों ने लगभग 2.5 लाख मामलों में आपसी समझौते के जरिए त्वरित न्याय प्राप्त किया है। इन अदालतों में निराकृत किए गए प्रकरणों की अन्य अदालतों में अपील भी नहीं होती। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी लोक अदालतों पर नजर रखे हुए हैं। इस दौरान लगभग 3000 से ज्यादा मामले हल किए गए हैं। लोक अदालत में सभी प्रकरण के मामले खंडपीठ में रखे गए थे। इस मौके पर जस्टिस पी सैम जोशी भी उपस्थित थे। इसमें जो इसका जो मंशा है, जो छोटे छोटे केसेस चलते रहते हैं, कई जो आपस में जिद के मारे चलते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और देखिए, केस मतलब ही ये है कि टेंशन। लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपस में दोनों पार्टी जीत के जाती है। इसकी कोई अपील तो होती नहीं, सब आपस में राजीनामा करके करते हैं। इसके लिए हमने इसीलिए व्यापक पूरा प्रचार किया है, पूरा नगर निगम, पूरे पोस्टर, पूरे FM में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और जितना कम हो, लिटिगेशन कम करके, झगड़ा कम करके, अपने जो मेन जो बिजनेस है उसमें कंसंट्रेट करें, अपना जो उनका मेन जो एवोकेशन है, जो उनका लाइवलीहुड है, उनके ऊपर ध्यान दें। यही मंशा है। और लास्ट जो हमारा जो इसका जो प्रयास था, बहुत अच्छा था। इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आप समझ सकते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था केसेस छत्तीसगढ़ में। तो इससे मालूम चल सकता है कि 2,43,000 समथिंग, तो इतने लोगों का जो ग्रीवेंस है वो उसका निपटारा हो गया। बहुत बड़ी बात है ये भी, उतने नंबर लोगों के लिए, ताकि और लोग इसमें अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉपुलर होते जा रहा है और ज़्यादा इससे वो इसका लाभ ले, यही हमारी मंशा है, ताकि पूरे दिलो जान से सब जुटे रहते इसी में।